नमस्कार साथियों, मैं काजल निषाद। अब मुझे लग रहा है कि कुछ लोग बहुत ज्यादा परेशान हो रहे हैं मेरे सवालों से, तो मुझे सवाल नहीं पूछने चाहिए और मुझे वीडियो अब नहीं बनाना चाहिए। ठीक है, कोई बात नहीं, सबको बुरा लगा उसको मैं कह देती हूँ कि अब मैं सवाल नहीं पूछूंगी और ये मेरा आखिरी वीडियो है। ठीक है, चलिए जो हुआ उसे जाने दीजिए। ओके, कैसा लगा मेरा मजाक? हाँ, कैसा लगा हमारा जुमला? क्या जी, क्या सोचे? काजल निषाद जो बोल रही है कि वीडियो नहीं बनाएगी तो तुम लोग खुश हो जाओगे? हाँ, अरे वो देखो कैसे लौट रहा है। अरे क्यों दुखी हो रहा है, क्या खा गया? अरे इसके मुंह में एक डब्बा सैनिटाइजर डालो, पता नहीं क्या खा गया खुशी के मारे। और अब रो रहे हो क्या हमारा जुमला सुन के? हाँ, कैसा लगा, तकलीफ हुई हमारा जुमला सुन के? तो ये सोचो कि एक बहुत बड़े नेता जो भारत के प्रधानमंत्री है, उच्च स्थान ग्रहण किए हुए हैं, वो जब जुमला फेंकते हैं तो भारत की जनता को कैसा लगता होगा? हाँ, कितनी तकलीफ पहुंचती होगी जनता को। एक ऐसा नेता जिनका ऊंचा पद है, जिनको झूठ तो कभी बोलना ही नहीं चाहिए, तो उस जनता को कितनी तकलीफ होती होगी। हाँ, छिछलेदर बना के रख दिया तुम लोगों ने भारत को, और तुम सोचोगे कि कोई सवाल ना पूछे, है ना? क्यों, मध्य प्रदेश में वो लड़की सवाल पूछ रही थी तो सभी भाजपाओं ने क्या कहा कि वो लड़की चरित्रहीन है, बारबाला है, बारबालाओं को जो है सवाल पूछने का हक नहीं है। वो तुम बताओगे? हाँ, देश अभी आजाद नहीं हुआ है क्या? तुम बताओगे कि सवाल किसको पूछना चाहिए और किसको नहीं पूछना चाहिए? क्यों, याद है वो दिन जब नेहरू जी पहले प्रधानमंत्री बने थे, जब देश आजाद हुआ था, तो एक बिचारी गरीब औरत, एक बुढ़िया माई ने उनका कॉलर पकड़ लिया और कहा, नेहरू जी आप तो प्रधानमंत्री बन गए, हम जनता का क्या, हमारा क्या होगा? तब नेहरू जी ने कहा था कि माई, इतने बड़े प्रधानमंत्री का आप कॉलर पकड़ रही हो ना, ये मिला है आपको, ये आजादी मिली है आपको। और आज के जमाने में कोई कॉलर पकड़ सकता है किसी नेता का? प्रधानमंत्री का तो छोड़िए, प्रधानमंत्री तो कभी गरीबों की रडार तक में नहीं आते हैं, और बाकी जो भाजपाई नेता है उनका कॉलर कोई पकड़ सकता है? कोई कह सकता है, सवाल पूछ सकता है कि सर ये क्या चल रहा है, हमने आपको इतनी इज्जत दी, एक एक वोट आपको दिया, आपको नेता बनाया, आपको ऊंचे पद पर वहां बिठाया, और फिर उसके बाद आप मालिक बन गए? सवाल पूछो तो पता नहीं क्या क्या गंदी गंदी गाली दोगे, ऐसी तैसी कर दोगे, डराओगे, धमकाओगे, FIR कर दोगे, जेल में डाल दोगे, अत्याचार करोगे। PCS लड़कियां जो है, प्रतिभाशाली लड़कियां आत्महत्या कर रही है भाजपा नेताओं के दबाव में आकर। क्या करोगे आप, कितना भविष्य के साथ खेलोगे? और आपसे कोई सवाल नहीं पूछेगा? हाँ, युवक पढ़े लिखे आत्महत्या कर रहे हैं, किसान को आत्महत्या करनी पड़ रही है अपनी जमीन के लिए, व्यापारी बेचारे आत्महत्या कर रहे हैं, और तुम सोचते हो कि तुमसे कोई सवाल ना पूछे? अरे तो ऐसा नहीं होगा, ऐसा तो बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि देश जो है ना वो जग गया है, हर कोई सवाल पूछेगा। क्योंकि क्या है ना चच्चा, रेडियो का जमाना नहीं है कि रेडियो में पहले आवाज आती थी और जनता को वहीं से पता चलता था, अब ये सोशल नेटवर्किंग का जमाना है, सबको पता चलता है कि कहाँ क्या हो रहा है, कौन नेता कहाँ क्या बोला था, सबके पास सबूत भी होते हैं। ठीक, तो आप ये सोच रहे हो कि 2014 वाला जो है भारत है और मैं जुमले पे जुमला फेंकूंगा और लोग मुझे बहुत प्यार देंगे, तो ऐसा नहीं है। पिछले 6 साल में आपकी कथनी और करनी सब समझ गए हैं चाचा, तो ऐसा नहीं है। तो फिर आप कह क्यों नहीं देते कि मुझसे देश नहीं संभला जाएगा? आप कह क्यों नहीं देते कि हमसे नहीं हो पाएगा, मैं ये सीट के और ये पद के लायक नहीं हूं? कह दीजिए ना चाचा, आप बोल दीजिए कि मैं सिर्फ संकट ला सकता हूं नमस्ते ट्रंप कह के, संकट से कैसे निपटा जाए इसका हल मेरे पास नहीं है, ये मैं नहीं कर सकता। तो चाचा आप कुर्सी से उतर क्यों नहीं जाते,
कुर्सी है, कोई जनाजा तो है नहीं कि उतर नहीं सकते। उतर जाइए, नहीं चल रहा देश तो। हाँ, मैं ये नहीं कह रही हूं कि अखिलेश यादव को सौंप दीजिए, मैं ये नहीं कह रही हूं कि ये तेजस्वी यादव को सौंप दीजिए, मैं ये नहीं कह रही हूं कि राहुल गांधी को सौंप दीजिए, मैं ये कह रही हूं कि भाजपा के ही कोई पढ़े लिखे अच्छे समझदार व्यक्ति हो ना, उसको दे दीजिए कमान, देश की जिम्मेदारी उस व्यक्ति को दे दीजिए। और ये सब जो आपके नेता है बीजेपी के, उसमें सबसे समझदार अगर कोई व्यक्ति है तो राजनाथ सिंह जी है, उनको सौंप दीजिए आप कमान। क्यों? वो तो आप ही के नेता है ना, मैं किसी और का तो नाम नहीं ले रही हूं। हाँ, राजनाथ सिंह जी जो है अच्छे पढ़े लिखे व्यक्ति है, थोड़े समझदार भी है, तो आप दे दीजिए उनको, कह दीजिए कि मुझसे तो नहीं संभल रहा है, आप स्थिति संभाल लीजिए, आप रक्षा मंत्री है, आप रक्षा कर दीजिए, सारी स्थिति आप ही संभाल लीजिए, क्योंकि भाजपा में तो सब चलता है ना। अगर आप सोचेंगे कि काजल जी ये क्या बोल रही है, आप कुछ भी अनाप शनाप, ऐसे थोड़ी कोई किसी का पद देता है। अरे भाजपा में सब चलता है भैया, ये सब जो है ना 2014 के पहले थे नियम कानून, ये सब 2014 के पहले थे, यहाँ तो अब सब चलता है ना। यहाँ तो प्रधानमंत्री का काम रक्षा मंत्री करते हैं, रक्षा मंत्री का काम गृह मंत्री करते हैं, गृह मंत्री का काम प्रधानमंत्री करते हैं, यहाँ सब मिक्स चलता है। तो राजनाथ सिंह जी को आप दे दीजिए, सौंप दीजिए। क्या है ना कि अभी ये रंगा बिल्ला की जोड़ी जो है वो देश नहीं चला पाएगी, देश को सिर्फ बर्बाद करेंगे, है ना। क्यों? वड़नगर में आप चाय बेचते थे, वहां तो एक भी ट्रेन नहीं आती थी, तो आप सपने में सोचते थे जब ट्रेन आएगी तो इसी ट्रेन को एक दिन बेचूंगा, और बेच दिया। हाँ चाचा, धीरे धीरे कितनी ही चीज आप बेच रहे हो, आपने बनाई थी क्या? आपने बनाई थी। और जितने भी लोग जिनको बुरा बहुत लगता है, जब मैं सवाल करती हूं तो बुरा बहुत ही लगता है, बहुत ज्यादा चोट लगती है। अपने मुंह में जो गंदगी भरे हो ना, सैनिटाइजर का एक डब्बा पी लो, शायद धुल जाए अच्छे से। तुम लोग को बहुत बुरा लगता है ना, तुम्हारे बच्चे जब परीक्षा देने जाते होंगे ना, तो सब में पूरे पेपर में यही लिखते होंगे ना कि सब कुछ 2014 के बाद ही हुआ है, लिखते हैं। और ऐसे लिखवाओ, फिर देखो तुम्हारे बच्चे पास होते हैं कि नापास होते हैं। और फिर मारना मत अपने बच्चों को, हाथ भी मत उठाना अपने बच्चों पर, क्योंकि तुम्हारे बच्चे तुम्हारे मुंह पे ही कहेंगे, पापा तुम ही तो बोले कि 2014 के पहले तो भारत में कुछ नहीं था, बर्बादी थी, तबाह था सब कुछ, 2014 के बाद ही तो सब कुछ बना है, तो मैं भी पेपर में वही लिखाया, और मुझे लगा मेरे पापा मुझसे थोड़ी झूठ बोलेंगे। तब क्या अपने बच्चों की नजरों में गिर जाओगे? अरे शर्म करो, शर्म, देश को बेचने में भागीदार मत बनो। अगला अगर संभाल नहीं पा रहा है देश, तो उनको समझाओ, उनको सवाल पूछो, यह क्या आपका सवाल पूछना, पूछिए सवाल कि क्यों हो रहा है ये सब। प्रतिभाशाली युवतियां आत्महत्या करेंगी, उत्तर प्रदेश में इतने सारे कांड हो रहे हैं, तो योगी बाबा कह दे कि हमसे नहीं संभलता, हम सिर्फ भगवा पहने हैं तो हम सिर्फ भगवान की पूजा करेंगे, हम हमें शांति दो, हमसे ये कुर्सी अब नहीं संभलती, क्यों नहीं कह देते? इतनी लालच भगवा पहनने के बाद भी। हाँ, मोह माया क्रोध सब छूट नहीं रहा है आपसे, ये सब कांड जो हो रहे ना, रोकिए रोकिए सब, आपका आपकी जिम्मेदारी है, सुरक्षा कीजिए आप लोग। और सवाल हम पूछेंगे, सवाल तो हम पूछेंगे, ज्यादा खुश होने की जरूरत नहीं है। ठीक, धन्यवाद।